एवरीवन hey यह है वॉइस विद वारिकू मेरे यानी अंकुर वारिकु के साथ इस हिंग्लिश पॉडकास्ट सीरीज में मैं बहुत सारी चीजें कवर करता हूँ करियर रिलेशनशिप्स पर्सनल फाइनेंस सक्सेस फेलियर और फ्रैंकली कुछ भी और जो समय जहन में आता है हर हफ्ते थर्सडे को आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर एक नया एपिसोड वॉइस विद वारिकू ये आठवीं कक्षा की बात है हिंदुस्तान टाइम्स जो कि एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है खासकर नॉर्थ इंडिया में उन्होंने एक ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन अनाउंस किया था स्कूल के बच्चों के लिए और उस समय में मैंने अपना पहला पब्लिक ऐसे लिखा उस ऐसे में मैंने एक बच्चे की कहानी बताई थी एक ऐसा बच्चा जिसका बहुत मन करता था कि वो नीचे जाके खेले लेकिन उसके पिताजी जो है वो उसे कभी जाने नहीं देते थे तो मैंने बहुत गहराई में डिस्क्राइब किया था कि वो कितना डिसअपॉइंटेड फील करता था कभी कभी उसको अपने बाप पे गुस्सा भी आता था जब कभी भी पिताजी जो है वो उसे नीचे जाने से रोकते थे तो एक दिन बिना किसी से पूछे वो घर से भाग गया और नीचे चला गया खेलने और उसको उस खेल में बहुत मजा आया वो नए नए दोस्तों से मिला उनको जाना और उसे ये एहसास हुआ कि उनकी दुनिया अपनी दुनिया से कितनी अलग है उसे बड़े मजे आ रहे थे और जैसे ही वो मजे आ रहे थे वैसे ही किसी ने उसके कंधे पे धपथपाया टू ही शॉक उसको पता चला कि वो उसके पिताजी थे उसी समय पे उसकी आँख खुल गई, उसे रियलाइज हुआ कि वो एक सपना देख रहा था और जैसे ही वो उठा उसको अपने माँ के चिल्लाने की आवाज आई गणेश उठ जाओ स्कूल का टाइम हो गया है आपके पिताजी लॉर्ड शिवा गुस्सा हो जाएंगे अगर तुम फिर से लेट हो गए <laughs> उस ऐसे कंपटीशन में मेरी जीत हुई थी मुझे सौ रुपए का इनाम मिला था जो एक स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए बहुत बड़ा इनाम था लेकिन बेस्ट चीज मुझे मिली थी मेरे पेरेंट्स का रिस्पॉन्स जो कि काफी अचंबित थे खैर मेरी इमेजिनेशन कितनी वाइल्ड है वो मुझसे पूछ रहे थे कि तुमने सोचा भी कैसे कि गणेश के बारे में कहानी लिखेंगे और वो अर्थ पे या पृथ्वी पे आके खेलना चाहता है उसके बारे में और उसके पापा शिवाजी उसे रोक रहे हैं और मैंने बोला क्योंकि मैं ना माँ बापा हमेशा ये सोचता हूँ या ख्वाब देखता हूँ कि एलियंस के साथ खेलूंगा तो मैं सोचता हूँ कि शायद भगवान भी यही सोचते होंगे कि हमारे साथ खेलेंगे ये एक बच्चे की जिज्ञासा होती है हम ना इसके साथ पैदा होते हैं हमें इस जिज्ञासा को बनाना नहीं पड़ता हमें इस पर काम नहीं करना पड़ता हमें किताबें नहीं पढ़नी पड़ती कि हमारी क्यूरियोसिटी को कैसे स्पार्क करें हम इसके साथ पैदा होते हैं लेकिन जैसे ही वक्त पड़ता है ना सोसाइटी और दुनिया इस जिज्ञासा को कुचल देती है हम ख्वाब देखना बंद कर देते हैं हम इमेजिन करना बंद कर देते हैं हम अपने नोशंस को चैलेंज करना बंद कर देते हैं हम जैसे दुनिया चल रही है ना उसी को सच मान बैठते हैं जैसी दुनिया अभी है उसे असलियत लेकिन एक बच्चा लगता है एक ऐसी फ्यूचर की कल्पना कर पाने के लिए जो आज से बहुत बहुत दूर है उस बच्चे को वापस ले आइए क्योंकि क्या पता वो बच्चा क्योंकि क्या पता वो बच्चा बाहर निकल के खेलना चाहता है ऑल द बेस्ट अगर आपको इस हफ्ते का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने प्लेटफॉर्म पे इसको रिव्यू करना मत भूलिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू वॉइस विद वारिकू हर थर्सडे एक नया एपिसोड आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर